हेलो विवेन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का जो आपका टॉपिक है, फिर से जीके पे बात करेंगे। जीके का अगेन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट सा लेके आई हूँ मैं। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स थे, उसमें भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर भी था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। मैंने बताया था वहाँ से एक नंबर पक्का आएगा ही आएगा, एक नंबर आपका वहाँ से पक्का हो गया होगा। आज फिर आपका इस लेक्चर में एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसके अंदर भारतीय जो भी हमारे नृत्य शैलियाँ हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, आपका बिरजू भाई है उससे संबंधित कौन है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति है इनसे संबंधित कौन सा नृत्य है, कौन से राज्य से है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। फिर से जितने भी हमारे भारत के नृत्य शैलियां हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट को हमें नहीं देखना, जहां से पेपर में आता है वहां से बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा भरतनाट्यम से। वीडियो को पूरा देखते रहोगे तो आपका एक नंबर आज का फिर से कन्फर्म होने वाला है। लेक्चर नंबर 52 पे बात करेंगे जीके के, आप नोट्स बना सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य से है, इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगी। सबसे बड़ी बात रहेगी हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आप एग्जाम में जाओगे ना, आपको जैसे ही ये दिखेगा आपके माइंड में वो ट्रिक एकदम से हिट कर जाएगी। तो द फर्स्ट वन इज़ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बोल सकते हैं। भरतनाट्यम का जो हमारा राज्य है वो कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, तमिलनाडु। क्लियर। अब इसे लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ, अभी 2 मिनट वेट कीजिए। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। और अब आपको ये चीज़ पता है कि मैं एक साथ लेती हूँ वर्ल्ड, जो मैंने हेडक्वार्टर्स वाला टॉपिक कराया था वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हेडक्वार्टर्स कराए थे, उसको मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में लिया था, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। सिमिलर वे में भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, इसका जो संबंधित व्यक्ति है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। सिमिलर वे में कुचिपुड़ी के भी संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति ही हैं, जो कि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इनकी अभी पिक्चर भी दिखाती हूँ, अभी इनके साथ साथ मूवी भी दिखाती रहूँगी आपको, मतलब इमेजेस दिखाती रहूँगी। एंड देन कुचिपुड़ी, पहले ट्रिक देख लेते हैं। कुचिपुड़ी का जो हमारा राज्य है, सो वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसको इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लेना, नाम ही है नाम, इसको कैसे इंग्लिश में ऐसे तमिलनाडु लिख लेना, ओके जैसे मर्जी लिख लो, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स हमारा भरतनाट्यम पूछ ले तो उसका जो राज्य है वो कौन से राज्य का, हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है वो है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, इनसे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों का सेम आंसर है। अब इसे लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी, देखो भरतनाट्यम को आप लर्न करोगे भरतनाडु जैसे ही आपके माइंड में, जैसे ही भरतनाट्यम आएगा और पूछी जाएगी ये कौन सी स्टेट है, तो जब चारों स्टेट देखते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन जैसे ही भरत आ गया, भरतनाडु एकदम याद आएगा, तो भरतनाडु से आप तमिलनाडु बना लेंगे, लिख लें। कुचिपुड़ी से आप क्या याद करेंगे, देखो पूरी से पूरी खाने वाली पूरी याद कर लो, आलू पूरी वाली पूरी, तो पूरी से हम याद करेंगे आंध्र, आंध्र से याद करो आधा, आधा मतलब आधी, आधी पूरी, आधी पूरी से याद करो। आपने ये ट्रिक शायद पहले कभी देखी हो या नहीं देखी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब के बाद आपके वो नहीं भूलेगी। जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसको आधी पूरी से याद करो, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, मतलब जैसे ही आपने देखा कहीं पे भी कुचिपुड़ी, आपके दिमाग में एकदम से हिट करेगा, पूरी आधी पूरी थी, आधी पूरी खा लो, ठीक है, आधी पूरी खानी है तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। सो इसका यामिनी कृष्णमूर्ति आप इन दोनों के देख सकते हैं, कृष्ण भरतनाट्यम का आप पिक्चर देख सकते हैं इससे संबंधित व्यक्ति की, और हमारे ये कहाँ का है सिमिलर वे में कुचिपुड़ी के भी सेम ही है, दोनों के सेम ही है, तो एक ही आपको पिक्चर दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। सो चलते हैं आगे। सो देखिए आगे हमारा है कथक। कथक हमारा राज्य, कथक का राज्य बताएं, कथक का राज्य, आप खुद सोच के देखो क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, कथक का राज्य क्या है हमारा, जो शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कथक को जो डांस है नृत्य है उसका राज्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम योर सेल्फ, आप खुद से एज्यूम करके देखें कि आपको ये आता है या नहीं आता, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी। जो है इसका राज्य उत्तर प्रदेश, क्या है करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया हमारा। अच्छा, इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, कथक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और कथक से संबंधित व्यक्ति जरूर पूछा जाता है, आपने नाम सुना होगा बिरजू महाराज का। क्लियर, मैं आपको पिक भी दिखा देती हूँ बिरजू महाराज की, सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे कथक के जो राज्य है उत्तर प्रदेश उससे संबंधित व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। बढ़ते आगे हम अगले पे। सो आगे देखिए, ये है हमारा कथकली। कथकली का जो राज्य है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने इससे पहले कराया वो हमारा कौन सा था, कथकली ये है, और उससे पहले वाला था कथक। कथक और कथकली में दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। कथकली का जो राज्य है वो है हमारा केरल। कथकली का राज्य केरल है, और जो इससे पहले हमने किया वो था हमारा कथक,
तो ये दोनों के अंदर आप इसे एक साथ लिख लें, कथक और कथकली। सो ये मिक्स नहीं करना। कथक का राज्य हमारा उत्तर प्रदेश था, दोनों लिख देती हूँ दोबारा से साथ, ताकि हमें फिर से कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, क्योंकि ये नाम सेम है। नाम सेम होने की वजह से बहुत बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, कथक और कथकली का जो नाम है, तो इसीलिए मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। तो ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ बिरजू महाराज। क्लियर, क्रिएट नहीं करनी आपको कन्फ्यूज़न, कहीं भी होती है यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट। तो हमारा जो कथकली है, कथकली का हमारा राज्य क्या है, केरल। कथकली का राज्य क्या है हमारा, केरल। और कथकली का राज्य केरल हो गया। इसके बाद इनसे संबंधित व्यक्ति बताएं, इनसे संबंधित व्यक्ति हमारे क्या हैं, कृष्ण नायर। कौन है? कृष्ण नायर। क्लियर। सो आप कृष्ण नायर की फ़ोटो देख सकते हैं, जो ये हमारे कथकली है उसका राज्य केरल, और कृष्ण नायर की आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे। सो कथकली और कथक को आप मिक्सअप नहीं करना। सो हम चलते हैं आगे वाले पे। सो आगे बढ़ते हैं ओडिसी। ओडिसी का राज्य हमारा क्या होगा, नाम से ही हमें शो हो रहा है ओडिसी का राज्य ओडिशा होना चाहिए, ओडिशा। अब देखो इतना सिंपल नहीं देगा, कभी भी ऐसा नहीं देगा कि ओडिसी का राज्य कौन है, जो हमारा ओडिसी नृत्य है, डांस है, उसका राज्य कौन सा है, इतना सिंपल नहीं देगा। बच्चा नहीं है कोई एग्जामिनर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो बहुत अच्छे लेवल का सेट होता है, तो चलो ये नहीं देगा क्योंकि इतना सिंपल है। अब ऐसी मणिपुरी है नृत्य, मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है, तो वो इतना सिंपल नहीं देगा ना। तो इतना सिंपल नहीं देगा तो इससे संबंधित आपसे व्यक्ति पूछ लेगा। तो ओडिसी से संबंधित व्यक्ति हमारा है केलू चरण महापात्र। महापात्र, ठीक है, साथ साथ आप इमेजेस देख लीजिए। ओडिसी याद रखें ओडिशा का है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं केलू चरण महापात्र, स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। सो आगे देख पा रहे होंगे मणिपुर का राज्य हमारा क्या होना चाहिए, हमारा मणिपुरी। मणिपुरी हमारी क्या है, डांस है, और मणिपुरी डांस का जो हमारा राज्य है वो मणिपुर ही होना चाहिए। मणिपुर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राज्य हो जाएगा मणिपुर। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम बताएं, फटाफट सोच के बताएं, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी। नृत्य डांस हमारा मणिपुरी, राज्य हमारा मणिपुर। सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। सो मणिपुरी का ये ऐसे करते हैं, हमारा जो राज्य है वो है मणिपुर, और इनसे संबंधित व्यक्ति का नाम है निर्मला मेहता। क्लियर, निर्मला मेहता। सो निर्मला मेहता की आप फोटो देख सकते हैं, इमेजेस। किससे क्या होगा, जब हम इमेजेस देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है डांसेस। सो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है, एक नंबर आपको दिला के जाएगा ही जाएगा। मणिपुरी का राज्य मणिपुर, संबंधित व्यक्ति निर्मला मेहता। सो देखिए मोहिनी अट्टम, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इससे संबंधित। जो इनका राज्य है वो फिर से केरल है, केरल अभी एक और आया था ना आपका, तो ये फिर से केरल इनका राज्य है। स्क्रीन पे विजिबल है, हाँ विजिबल है। सो यहाँ पे ना मोबाइल का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो मोहिनी अट्टम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो राज्य है वो हमारा, ये कहाँ का फेमस नृत्य है, ये केरल का है, और इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, बहुत ही फेमस हेमा मालिनी। ठीक है, हेमा मालिनी की भी पिक दिखा देते हैं हम आपको, जिससे कि आपके माइंड में बहुत ईजिली वे में सेट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का राज्य, और इनसे संबंधित व्यक्ति हेमा मालिनी। हेमा मालिनी की पिक्चर दिखा दी जाए आप सबको। सो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मोहिनी अट्टम, केरल का राज्य, संबंधित व्यक्ति हेमा मालिनी। सो देखिए आज का जो आखिरी रहने वाला है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वीडियो फिनिश। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये इंडियन क्लासिकल डांसेस जो इंपॉर्टेंट थे वो इतने ही थे। आखिरी आपको होमवर्क में बताना है, जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसको ये पता होगा कि मुझे ये होमवर्क बताना ही बताना है। कमेंट सेक्शन में बता देना, चाहे आप नेट से सर्च करके बता देना। तो नृत्य क्या है आपका, नृत्य है सत्रिया। नृत्य क्या है, नृत्य है हमारा सत्रिया। इसे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, SATRIYA। तो ये कहाँ कहाँ है, राज्य हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क, और इनसे संबंधित व्यक्ति क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये रहेगा होमवर्क, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा वो ये अच्छे से बता पाएगा, चाहे आप नेट से देख के बता दें। इससे क्या होगा, आपका लास्ट वाला भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में 53 में डिस्कस कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे इंडियन क्लासिकल डांसेस, सभी पेपर में आए हुए हैं, DSSB, KVS, NVS, मैं दोबारा बताती हूँ, सभी प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए थे, और इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम, बिरजू महाराज का, हेमा मालिनी का, आपको यहाँ पे कृष्ण मूर्ति मैंने आपको कराया, जितने यामिनी कृष्ण मूर्ति, जितने भी नाम हैं आपको भी याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद है। सो वीडियो को देखा तो आपने एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट लेक्चर 53 भी आपके सामने बहुत जल्दी प्रेजेंट होगा। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।